फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ गोलमाल अगेन की 3 दिन के कलेक्शंस के बारे में। ये कलेक्शंस बताने से पहले आपको ये बता दूँ कि कल मैंने कहा था कि आपको प्रेडिक्शन जो मेरा था 29 से 30 करोड़, जी हाँ मैं सटीक प्रेडिक्शन दिया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते तो कल का देख सकते वापस से, और मैं प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सही हुआ है प्रेडिक्शन। और कलेक्शंस अगर आप देखें तो मैंने 29 करोड़ कहा था, और संडे का अगर आप कलेक्शन देखें तो 29 करोड़ ही हुआ है। 29 से 30 करोड़ कहा था, उसमें से 29 करोड़ हुआ है। यानी कि आप मुझे इस बार जीनियस कह सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं मेरी, लेकिन ज़्यादा तारीफ़ मत कीजिए, मैं झाड़ पे चढ़ जाऊँगा शायद। बहरहाल कलेक्शन अच्छे हुए हैं, 30 करोड़ पहले, दूसरे दिन 28 करोड़, तीसरे दिन 29 करोड़। मैंने ये भी कहा था साथ में आपको एक दो दिन पहले कि 3 दिन में ये फिल्म 100 करोड़ तक कमा लेगी। ये आंकड़ा छू नहीं पाई है फिल्म, यानी कि ये आंकड़ा कब पूरा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है 4th दिन के कलेक्शन आएगा, जो वो 100 करोड़ के पार ही होगा। ओवरसीज़ मार्केट में फिल्म बढ़िया कर रही है और 20 करोड़ तक कमा चुकी है। पर 2 दिन में ओवरसीज़ मार्केट में पहले दिन तो 7 करोड़ कमाई थी, दूसरे दिन 15 करोड़ और तीसरे दिन में 20 करोड़। यानी कि जो तीसरे दिन का कलेक्शन आया ओवरसीज़ मार्केट का, वो थोड़ा सा कमाया है पहले 2 दिन के हिसाब से। बहरहाल कलेक्शन बेहतर आ रहे हैं, देखते किस तरह से इस दोनों के फिल्मों के कलेक्शन, आई मीन सीके सुपरस्टार गोलमाल अगेन कलेक्शन आगे आते हैं। पहले आप कितने खुशी से कलेक्शन से जो इस 87.60 करोड़ है जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।